एक्सेलशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी और एबीवीपी जो है इस वक्त गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कॉम्प्लेक्स के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पुलिस बल की बात करें तो पुलिस बल जो है उन्हें समझाने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहा है, लेकिन ये विद्यार्थी जो है अपना धरना प्रदर्शन समाप्त करने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना इनके पास लेक्चरार है और ना ही किसी तरह की कोई सुविधा है। अन्य मांगों को और विभिन्न मांगों को लेकर जो है ये विद्यार्थी जो नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और एबीवीपी जिनको सपोर्ट कर रहा है वो आज यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करके अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। आई जाने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाहते हैं ये विद्यार्थी। सर, हमारा तो मेन जो मकसद है वो है कि हमें टीचर्स चाहिए, सब्जेक्ट होल्डर टीचर्स चाहिए। हमारे पास जो टीचर्स सिर्फ हमारे टीचर्स नहीं है, वो जीएनसी के कोई जो स्टाफ है वो हॉस्टल्स है, जो हमारे एलिजिबल टीचर्स है हमें नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। आपके पास परमानेंट टीचर कोई भी नहीं है? नहीं सर, कोई भी नहीं है। कितना समय हो गया जब से परमानेंट टीचर नहीं है? सर, हमारा जो आज सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर में भी हमें भी ऐसे ही टीचर्स थे, हमें सब बोल रहे थे कि गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा ही होता है, फिर भी जो हमारे टीचर्स थे एफर्ट्स कर रहे थे, क्योंकि हमारे जो उस वक्त के मतलब जो सब्जेक्ट्स थे वो हमारे टच में थे, हमने पढ़ा खुद भी, उन्होंने भी पढ़ाया। लेकिन सर, आज जो हमारा सेकेंड ईयर है वो हमारे लिए नहीं आया, बिल्कुल नहीं। वो आते पढ़ाते हमें कुछ भी समझ नहीं आता, हमारे लिए एफर्ट्स लगाते, प्रिंसिपल मैम ने भी हमारी बहुत ज़्यादा मदद की, लेकिन आज उन्होंने कहा हमारे मेरे बस में जो था वो हमने किया, आज मेरे बस में कुछ नहीं सर, इसलिए हम यहाँ पे आए। अब आपकी मांग क्या है? सर, टीचर्स स्टाफ हमें चाहिए, एलिजिबल टीचर्स हमें चाहिए। जो आपने नर्सिंग कॉलेजेस है एफिलेटेड जीएमसी के, यहाँ पर नर्सिंग कॉलेजेस की इतने हालात खराब हो चुके हैं, पिछले एक साल से इनकी क्लासेस चल रही है, इनको कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स पढ़ाने आ रहे हैं जो अभी खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं, इनको खुद नहीं पता कि आगे जाके करना क्या है, वो इनको पढ़ाने आ रहे हैं। लैब्स इनको प्रोवाइड नहीं की जा रही है वहाँ पर। नर्सिंग में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? लैब। अगर इनको लैब प्रोवाइड नहीं की जाती है, ये एफिलेटेड कॉलेजेस है, कहीं और शिफ्ट किया जाए। बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेला जा रहा है? मैं यहाँ के जीएमसी के प्रिंसिपल से पूछना चाहूँगा, क्या आपको ये विषय पता नहीं था क्या? अगर जब तक स्टूडेंट्स रोड पे नहीं आते इनको कभी विषय समझ आया ही नहीं है। प्रिंसिपल सर से हम मिलने जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई बंदा हमें नहीं मिलता, प्रिंसिपल सर से ऐसा बर्ताव देखने को मिलता है स्टूडेंट्स के खिलाफ कि हमें तुमसे नहीं मिलना। अभी भी जो है आपकी मांगों की तरफ गौर नहीं किया जाता, अगला कदम क्या रहेगा? बिल्कुल, हमारी मांगों की तरफ अगर गौर नहीं किया जाएगा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीएमसी के प्रिंसिपल को बताना चाहता है कि ये ऐसा संगठन है बच्चों के साथ खड़ा रहेगा, अगर इनको जब तक हक नहीं मिलेगा हम रोडों पे रहेंगे और ये प्रदर्शन आपको आगे देखने को मिल सकता है, जारी रहेगा। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी जो है सड़कों पर बैठे हैं, जिनको सपोर्ट एबीवीपी कर रहा है, इनकी मुख्य मांग यही है कि इनको ना लेक्चरार है, ना इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनकी स्टडीज जो है वो सफर हो रही है, और माननीय एलजी साहब को, गवर्नमेंट के प्रिंसिपल को जो है इनकी मांगों की तरफ जो है जरूर गौर फरमाना चाहिए और इनकी जायज मांगों की तरफ जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि स्टूडेंट्स जो है क्लासरूम में नजर आए, ना कि सड़कों पर नजर आए। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।